पुरानी थकान की बीमारी क्रॉनिक फटीक सिंड्रोम कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तक महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक युवक मेरे पास में 35 साल का आया और उसको बहुत थकान लगती थी। सब इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद में उसको कारण समझ में नहीं आ रहा था कि थकान क्यों है। बहुत थकासा लगता था हरदम, सुबह से लेकर रात तक थकान थकान है, कोई काम करने की इच्छा नहीं। तो सब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में मैंने उसको डायग्नोस किया क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, पुरानी थकान की बीमारी। ये बीमारी के बारे में आज बताता हूँ। ये बीमारी करीब करीब मतलब 0.01% से लेके 2.8% जनरल पॉपुलेशन में इतने लोगों को दिखाई देती है। और ये यदि लक्षण 6 महीने से ज्यादा है तो इसको फिर क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें यह है कि उसको डेफिनेट ऑनसेट कहां है मालूम पड़ता है कि भाई शुरुआत कब हुई, ये पक्का वो व्यक्ति बता सकता है, नंबर एक। नंबर दो, बहुत शारीरिक कष्ट करने के बाद में थकान आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर दो, मतलब बिना शारीरिक कष्ट करने, शारीरिक कष्ट नहीं गया तभी भी आती है, नहीं गया तभी भी आती। नंबर तीन, आराम करने के बाद में ये ठीक नहीं होना चाहिए, मतलब आराम भी किया तभी इसको थकान तो है ही है। और नंबर चार, काम करने में असमर्थता, ये काम नहीं कर सकता व्यक्ति, घर में बैठे रहता है, काम करने योग्य नहीं रहता है। तो ये सब लक्षण जो है, ये 6 महीने से ज्यादा यदि है तो हम बोल सकते हैं कि इसको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है। मगर इसके साथ साथ और भी कुछ लक्षण रहना जरूरी है, और वो कौन से है, ये जो लिम्फ नोड रहते हैं ना हमारे गले में या काफी जगह लिम्फ नोड रहते हैं, तो वो दर्द करने वाले लिम्फ नोड है, एक उसकी निशानी है। नंबर दो, यारनाश कमजोर है या ख्याल रहता नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। नंबर तीन, गले में खराश। नंबर चार, स्नायु में दर्द। नंबर पांच, जोड़ों में दर्द। नंबर छह, नींद जो है तो नींद लेने के बाद में ऐसा ताजा तवाना नहीं लगना, अनरिफ्रेशिंग स्लीप। नंबर सात, अलग अलग तरह के सरदर्द, मतलब नए नए पैटर्न के सरदर्द होते रहते हैं। नंबर आठ, 24 घंटे के बाद में भी, मतलब शारीरिक श्रम करते हैं, बिना शारीरिक श्रम करते हैं, कुछ भी हो जाए, 24 घंटे आराम करने के बावजूद भी बीमार जैसा लगना, अस्वस्थता लगना, और लगता कि कुछ तो भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, ये डिप्रेशन का वेरिएंट ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, मगर इसमें इसके सोर्स पे जाना पड़ता है, रूट कॉज क्या है, जैसा लैक ऑफ लव, फिर लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन सेल्फ, खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, प्यार नहीं लगता खुद के बारे में, लोगों के बारे में, फिर रिवेंजफुल एटीट्यूड है, बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है और बहुत बदला लेने की भावना है, ज्यादा टीका करने वाला व्यक्ति है ना, क्रिटिसाइज करने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे रिवेंजफुल है, गुस्सा है, मतलब ऐसा शांत आदमी नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति लोगों को ऐसे दब दब के रह गए समझो, तो वो फिर बाहर दिखाया जाता है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के। इसमें इसमें एंटी डिप्रेशन दवाई काम में आती है, फिर मेडिटेशन, सम्मोहन उपचार, इससे व्यक्ति वो अच्छा हो सकता है। तो ये काफी लोगों को बीमारी, मैंने जैसा बताया कि 0.001 से लेके 2.8%, मतलब यहाँ ये लेवल तक ये बीमारी पब्लिक में हो सकती है। तो ये वीडियो डालो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।